नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए सीखते हैं ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो आपको सब सिखाएंगे, हम कुछ और सिखाएंगे। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है जैसे शब्द भी आते हैं और वर्ब के साथ लगे होते हैं। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं, वह छत पर खड़ा है, ये पेन टेबल पर क्यों पड़ा है, ये सब क्या है? ये सब कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो आप फटाफट सीखिए क्या है कंटिन्यूस टेंस। वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है जैसे शब्द आएंगे और इसमें इज एम आर के साथ आई एन जी का प्रयोग होता है, यानी कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। अब इज एम आर के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको एम कब लगाना है, इज कब लगाना है और आर कब लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है और इज का प्रयोग ही, शी, इट, राम, सीता या सिंगुलर नाउन, यानी कि ही, शी, इट, राम, सीता, यानी कि कोई भी नाम और सिंगुलर नाउन के साथ करना है। और आर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ करना है। तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। ये आई एन जी फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं, आपको पता ही होगा, इसलिए यहाँ पर वी वन लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ जाए। तीसरा है इंटरोगेटिव, जिसमें क्या शब्द आ जाए। और चौथे नंबर पे है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, जिसमें क्या और नहीं ये दोनों शब्द आ जाए। तो हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि सेंटेंस को बनाने से पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियोस बनाई गई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और सीख रहा हूं, ये है हमारी वर्ब सीखना और इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलें तो सबसे पहले आई और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसलिए एम, आई एम। यहां पर सीखने का मतलब है लर्न और लर्न के साथ हमने लगाया आई एन जी तो बन गया लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। चलिए देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, जा रहा है हो गई वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं आ जाने से ये सेंटेंस बन गया आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखिए आप थर्ड प्लेस पे नॉट लगाते हैं हम, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग करना है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुम हमारा सब्जेक्ट है, जा रहे हो वर्ब है और बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो अब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या शुरू में लगा होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाते हैं। तो आर यू गोइंग टू मार्केट, ये आर कहां से आया, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है और ये यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, तो आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अगर इसी के साथ इसको नेगेटिव भी बनाए, यानी कि नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाए, तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव होता है तो हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को हमें सबसे पहले लेना है और थर्ड प्लेस पे नॉट भी लगाना है, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। तो बहुत आसान सा सेंटेंस है, बहुत आसान सा टेंस है। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। थैंक यू। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें
और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।